रमजान अलग अलग ऋतुओं में आता है, कभी ग्रीष्म ऋतु में, कभी शीत ऋतु में, कभी वर्षा ऋतु में, कभी बसंत ऋतु में, तो कभी शरद ऋतु में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस्लाम का कैलेंडर चांद पर आधारित है। चांद पर आधारित कैलेंडर के अनुसार एक साल में लगभग 354 दिन होते हैं, जबकि सूरज पर आधारित कैलेंडर के अनुसार एक साल में 365 दिन होते हैं। इसलिए इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत और अंत हमेशा अलग अलग दिनों में होते हैं। रमजान साल के 12 में से 9वें महीने में मनाया जाता है, और चूंकि साल की शुरुआत बदलती रहती है, इसलिए रमजान का महीना भी बदलता रहता है। इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर अरबी लोगों ने बनाया, लेकिन अरबी लोग तो गणित में निपुण थे, इसलिए लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अरबी लोग गणित के इतने ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसी भूल कैसे कर दी। एक मान्यता यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि रमजान का महीना कब आता है। कहते हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से अपनी बातें मोहम्मद पैगंबर को बताई, लेकिन उन्होंने वह कौन से महीने में बताई वह किसी को नहीं पता था। इसलिए रमजान हर साल अलग अलग ऋतु में आता है। इस्लामी कैलेंडर को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, और यह कोई गलती नहीं है। ऐसी भी मान्यता है कि इस्लाम के पहले मक्का मदीना में लोग कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इन देवी देवताओं में चांद और शुक्र ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए आज भी ईद कब शुरू होती है इसे निर्धारित करने में चांद की अहम भूमिका है। चांद दिखने के बाद ही ईद मनाई जाती है। यूं माना जाता है कि हर सुबह जब शुक्र ग्रह मक्का में दिखाई देता है, तब पहली नमाज पढ़ाई जाती है। इस तरह मुसलमानों का दृढ़ विश्वास है कि चांद और शुक्र ग्रह का इस्लाम से संबंध है। इस कारण इस्लाम का चिन्ह एक पंचकुंड तारा और एक वर्धमान चांद है। पंचकुंड तारा शुक्र का चिन्ह है। इस चांद को ईद का चांद कहते हैं, और यह कुछ ही समय के लिए आकर फिर चला जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह चिन्ह केवल इस्लाम का चिन्ह नहीं है, क्योंकि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ था। वहीं इस चिन्ह का प्रयोग करीब 400 से 500 साल पहले ही शुरू हुआ। पहले टर्की के उस्मान राजवंशीय ऑटोमान सुल्तान ने इस्तांबुल में इस चिन्ह को स्वीकार किया, और आजकल इसे इस्लाम का चिन्ह मानते हैं। लेकिन इसके पहले यह चिन्ह ईसाई धर्म का चिन्ह था। इस्तांबुल के ईसाई राजा कॉन्टेस्टीन इसका प्रयोग करते थे। आज भी कई देशों में ईसाई समूह इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर पंचकुंड तारा को अष्टकुंड तारा माना जाता है। अष्टकुंड तारा को यीशु का चिन्ह माना जाता है, और चांद को माता मरियम के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह घटता हुआ चांद है, और इसलिए यह जॉन द बैप्टिस्ट का प्रतीक है। इसका कारण यह है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि जब उनकी प्रभा कम हो जाएगी, तब यीशु मसीहा की प्रभा बढ़ेगी। इसलिए पूरा तारा यीशु का प्रतीक है, और घटता हुआ चांद जॉन द बैप्टिस्ट का। ईसाई धर्म के पहले यह चिन्ह हमारे प्राचीन यूनान में मिलता है, जहां पर यह आर्टेमिस और अपोलो इन दो भाई बहन का चिन्ह है। चांद आर्टेमिस नामक देवी का चिन्ह है, अपोलो सूरज है, और इस तरह तारा सूरज का चिन्ह है, न कि शुक्र का। वैसे हम देखते हैं कि इस्लाम में प्रतीकों के प्रयोग पर प्रतिबंध है, इसे शिक्र माना जाता है। प्रतीकों का इतिहास बहुत ही जटिल होता है, और हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मनुष्य प्रतीक क्यों चुनते हैं। संभवतः अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने ध्वज पर लगाने के लिए।